Hello everyone, welcome to Abhipedia. Today I am here with you with yet another video from Abhishek's Take series. Aaj hum baat karenge how to study ethics, integrity and aptitude for UPSC mains examination. Ab aap sab jante hain ki hum lockdown ke andar hain aur main ye aasha karta hun ki hum sab social distancing ke rules ki palna kar rahe hain aur jo mere dost ya jo mere स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फ्रंट लाइन में हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो पुलिस स्टाफ में हैं या कहीं पे भी हैं, वो अपनी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और अपने करियर की भी आगे आगे तैयारी कर रहे हैं. तो आज की वीडियो का विषय है हाउ टू स्टडी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एंड मुझे ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली पढ़ाते हुए 3 साल हो चुके हैं और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, जो बच्चों के रिजल्ट्स शो करते हैं, और उन बातों के बेसिस पे मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से करें तो क्या होना चाहिए. कंटेंट तो हम सब पढ़ते ही हैं, लेकिन उस कंटेंट के बियॉन्ड क्या है वो एक कोर कंसर्न इस वीडियो के तहत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. अदरवाइज मटीरियल की तो आपको पता है कि कोई कमी नहीं है. शायद इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतनी सारी वीडियोज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कभी कोई करियर सिविल सर्वेंट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक्स हासिल कर चुके हैं, कभी कुछ हैं जो इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने देखी जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, बट कुछ ना कुछ कमी मुझे सब में लगी. तो आज एक होलिस्टिक वीडियो लाने की कोशिश मेरी तरफ से की गई है आप सबके लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये कि यूपीएससी इसके बारे में हमसे चाहता क्या है. सो यूपीएससी क्लियरली सेज that this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. कहने का मतलब ये है कि ये candidate के attitude और approach के ऊपर test है. ये कोई cramming या you know mere reproduction of facts का इसमें concern नहीं है. फिर इसी के साथ उन्होंने साथ में लिखा है द क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमिन दीज एस्पेक्ट्स. अब इसके आगे जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है तो मैं सिर्फ चैप्टर्स ले रहा हूं यहाँ पे, तो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन सब के साथ रिलेटेड केस स्टडीज. अब ये जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं बड़े कम लगते हैं देखने में और ये एक बड़ा छोटा पोर्शन है, लेकिन यूपीएससी के अंदर इसके पूरे 250 नंबर का पेपर होना है और 50% जो इनमें से वेटेज है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर है और 50% वेटेज जो है वो केस स्टडीज को दी गई है. तो इन 250 मार्क्स को हम अगर ठीक से तैयारी करें तो ये हमारे जो ओवरऑल रिजल्ट है उसके अंदर एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है. क्योंकि ये देखने में आया है कि जो जीएस के जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है उनमें आमतौर में बच्चों के पेपर के अंदर जो मार्क्स हैं थोड़े कम रह जाते हैं, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 जो हैं वो कंपैरेटिवली एक स्कोरिंग स्कोप देते हैं लॉन्ग विद एसे ऑफ कोर्स. सो मूविंग ऑन, अब इसको पढ़ना कैसे है. तो 3 बेसिक फोकस पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टडिंग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो मेरी टीचिंग या मेरे स्टडिंग लर्निंग के एस्पेक्ट से निकल के आए हैं या स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से निकल के आए हैं. तो पहला पॉइंट है बिल्डिंग योर व्यू पॉइंट. इट शुड नॉट बी समबडी एल्स व्यू पॉइंट, इट शुड बी योर व्यू पॉइंट. एंड हाउ डू यू नीड टू बिल्ड इट, उसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा, बहुत सारी रीजनिंग अपने अंदर करनी होगी, तो इसके ऊपर भी खुल के बात करेंगे. तीसरा है अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो दूसरी मेजर पॉइंट है अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना है कि एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, आपको हर चीज को अप्लाई करना सीखना है. जैसे जैसे आप कोई भी चीज पढ़ें उसको हमेशा रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करके देखें कि क्या मैं इसको एक्चुअल में इसके बारे में कोई कॉन्टेक्चुअल रीजनिंग कर सकता हूं. और ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ही हमारी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कोर एरिया ऑफ फोकस है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जो भी आप पढ़ें उसको हमेशा किसी ना किसी संदर्भ में रख के फिर बात करें, फिर सोचें. तो जब आप कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन, एजुकेशन फॉर व्हाट, व्हाट इज एजुकेशन इन पर्टिकुलर. तो
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रख के जब आप इस तरह से छोटी सी बात के बारे में भी सोचेंगे तो आपका उसके बारे में डेफिनेटली जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव करेगा, व्यू पॉइंट सुधरेगा। ये अल्टीमेटली जीएस का जो पेपर फोर है ये हमारे रीजनिंग प्रोसेस को, हमारे थॉट्स को, हमारी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उसको दर्शाता है, ना कि सिर्फ हमारी क्रैमिंग कैपेबिलिटी को या हमारी फैक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन को। ठीक, चलिए अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस बुक्स या रिपोर्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली पहली बात तो क्लास नोट्स हैं, क्योंकि जो भी आपने तैयारी की है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में टीचर ने आपको पढ़ाया है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पास में रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिससे टीचर आपके हिसाब से आपको सारे नोट्स बनवाता है, आपके लेवल पे जाके वो नोट्स बनाए जाते हैं और एक लाइन ऑफ रेफरेंस, लाइन ऑफ थॉट आपका सेट होता है उन क्लास नोट्स के अकॉर्डिंगली। इन्हीं के अंदर जो एड ऑन इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट है, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये जरूर पढ़नी चाहिए। ये रिपोर्ट हमारे जीएस पेपर 2 में भी काम आती है, जीएस पेपर 4 में भी काम आती है। फिर कोई भी एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, 2 या 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हर रेफरेंस बुक में आपको ये मिलेगा कि कोई एक टॉपिक अच्छे से दे रखा है और कोई एक टॉपिक की सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और ये डेफिनेट स्वाभाविक भी है क्योंकि आप देखिए जो लिखने वाला है इन रेफरेंस बुक्स को, हो सकता है जो 6-7 एरियाज एथिक्स के सिलेबस के अंदर यूपीएससी में दे गए हैं उनमें से उसकी 1 या 2 एरियाज में ही महारत हो, तो इसी वजह से वो जो बुक है उसमें भी 1 या 2 एरियाज ही बहुत अच्छे से दिए होंगे। अब वो बहुत अच्छे से दिए हुए एरिया का बेसिकली हमारे पास कोई स्केल नहीं है। वो स्केल बनाने का तरीका है कि आप यूपीएससी के पिछले जो 5-6 साल के मेंस के अंदर क्वेश्चन पेपर्स आ रखे हैं उनको आप देखें। जब आप उनको देखेंगे तो कंटेंट के साथ आप कंपेयर करेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या ये मेरा व्यू पॉइंट, मेरी थॉट्स को उतने लेवल तक मैच्योर कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो रेफरेंस बुक आपके लिए अच्छा है, नहीं कर पा रहा है तो कोई फायदा नहीं। ठीक, देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एडिटोरियल्स इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड स्पेशली दोज विच आर कवरिंग ऑल द 3 एस्पेक्ट्स, चाहे वो फॉर है, चाहे अगेंस्ट है, चाहे मिडिल पाथ है। तो अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तभी आप एथिक्स के जो केस स्टडीज है उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो जो अलग अलग सिचुएशंस बना के देते हैं उसमें से कुछ चॉइसेस आपको करनी है और उन चॉइसेस की जो जस्टिफिकेशन आपको करनी है वो आप यहीं से सीखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा लाइव सोर्स है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं और ये एडिटोरियल्स जो हैं वो हमारे ओपिनियंस को बिल्ड करते हैं, एक तरह से एक रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी रीजनिंग बहुत ऑब्जेक्टिव हो, डेफिनेटली कभी कभी उसमें सब्जेक्टिविटी भी आती है, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड बी एबल टू डिसर्न दैट विच particular thing you should carry away from an editorial or an opinion and which you can just leave it to the editor. Okay. Next जो सबसे important इसमें आपके लिए source हो सकता है वो है अभिपीडिया का issues and analysis section. अब ये जो इसमें contributions आती हैं वो सारी की सारी हमारे जो teachers का board है उसको filter करता है, उसमें contribute भी हमारे teachers करते हैं अलग अलग subjects के ऊपर। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो 100% ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप पेपर में डायरेक्टली लिख पाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं दिया जाएगा जो आप यूपीएससी के अंदर नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो अभिपीडिया के अंदर जो अलग अलग सेक्शंस में जो सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चाहे किसी भी तरह के इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज के ऊपर जो दिए गए इश्यूज एंड एनालिसिस हैं वो आप जरूर पढ़िए, तो वो आपके लिए एक ओवरऑल रिपोजिटरी का काम कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग अ मैच्योर रीजनिंग विद इन यू विद इन दिस एथिक्स पेपर। अब आगे चलते हैं, अब आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर को पढ़ने के लिए और इस अप्रोच को हम यूज भी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर थोड़ा समझाऊंगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपको हैंडल करने हैं और ये अप्रोच क्या वाकई आपके काम आएगी भी या नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो है डोंट क्रैम अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स बहुत कम काम आएगी। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 20% हिस्सा ही है जहां पे आपकी क्रैमिंग काम आएगी, 80% अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, कैपेबिलिटी टू अप्लाई वट एवर यू हैव लर्न दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है क्रिएट अ बैलेंस्ड एंड मैच्योर व्यू पॉइंट, कभी भी एक तरफा सोच नहीं लेके जानी है किसी भी चीज को लेके, हार्डलाइनर नहीं बनना है। तीसरा है रीजन आउट एवरीथिंग,
इवन द थिंग्स दैट यू आर अगेंस्ट और यू फील प्रेजडिस्ड अगेंस्ट. हो सकता है आपको खुद को कोई चीजें अच्छी ना लगती हों, लेकिन जो खुद को अच्छा लगता है उसके लिए भी कारण आपके पास होने चाहिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसके लिए भी कारण आपके पास 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए. देन फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू प्रोवाइड. बेसिकली केस स्टडीज के अंदर कई बार आपसे सॉल्यूशन सुझाव मांगे जाते हैं, कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी आपसे सॉल्यूशंस या सुझाव मांगे जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ध्यान रखने वाली यही होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज के अंदर जो हमारी कंट्री का सच है उसके हिसाब से कौन सी चीज प्रैक्टिकल है वही सजेस्ट करनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकलिटी अगर आप एग्जिबिट कर पाए अपने आंसर्स के अंदर तो वो और भी अच्छा होगा. फिर लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये, क्रिएट एंड डोंट कैरी ओपिनियंस. अपनी एक ओरिजिनलिटी जब आप लेके आएंगे अपने आंसर्स के अंदर तो उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे. आप सोचिए कि सपोज अब मैं आगे आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा. सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एक टॉपिक है एसेंस डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. क्वेश्चन आया 2014 के अंदर, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन योर स्टैंड विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. अब आप देखिए उन्होंने इंटेग्रिटी की परिभाषा आपसे नहीं पूछी है, उन्होंने ये भी नहीं पूछा है कि अल्टीमेटली आप इंटेग्रिटी आप में है, आप सिविल सर्विसेज में है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं मांग रहे हैं. सिंपल यही पूछा जा रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या समझ आया और आपको क्या समझ आया. आप ये मत लिखिए कि आपके टीचर को क्या समझ आया, आप ये भी मत लिखिए कि किसी पुराने जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन्होंने इससे क्या समझा. आपको अपना स्टैंड लिखना है. और दूसरा, एक्सप्लेन योर स्टैंड, जो भी समझ आया उसको आप एक्सप्लेन कीजिए विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन आंसर में लिखनी है उसको अप्लाइड तरीके से समझाना है. तो ये जितने भी एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चंस को, तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि 70-80% क्वेश्चन इसी तरह से आए हुए हैं, जहां पे आपका स्टैंड मांगा गया है, जहां पे कोई भी एक थ्योरेटिकल स्टैंड आपको देने की या जो कोई बुक से क्रैम किया गया स्टैंड आपको देने की आवश्यकता नहीं है. आगे देखिए 2014 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट इट, द नंबर ऑफ सच इंसिडेंसेस कीप राइजिंग, नाउ सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मेनेस. अब यहां पे भी आपसे सजेशन मांगा गया है, आपसे फ्रेश कुछ मांगे गया है, ना कि आपको कोट कर देंगे कि पुरानी कमेटी ने ये कहा था या उस रिपोर्ट में ये आया था. आपकी सजेशंस होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए. तो उन्होंने पुरानी घिसी पिटी सजेशंस नहीं मांगी है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. फिर एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. लाइक आई सेड, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही है जो यहाँ पे पूछा गया है. फिर अगले क्वेश्चन में भी आप देखिए तो यू एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स उभर के आता है. तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करें. इन जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का जो एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का जो मैपिंग है वो मैं पीडीएफ के तौर पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं. वहीं से आपको थोड़ा बहुत जजमेंट जो है वो हो जाएगा. फिर अब ओवरऑल जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का जो कोर्स है, जो अब पीडीएफ के ऊपर आप अगर उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है. तो वहां पे जाके आप जो फुल कोर्स ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है वो चेकआउट कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, कैसे अब मेन्यूज में हम उसकी तैयारी कराते हैं. लाइव लेक्चर्स इसके ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप ओवरऑल कोर्स को देख पाएंगे. कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है इस कोर्स के बारे में या एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ना है या इसके एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अटेम्प्ट करें, यू कैन ऑलवेज फील फ्री एंड राइट इन टू मी एट abhishek@abhimanyu.com. मेरा ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी है. और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है IAS_PCS_HCS, उसके ऊपर भी मैंने एथिक्स की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडिटोरियल्स हैं या जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं. हमारा एक इवन मेंस आंसर राइटिंग बैच है, उसके अंदर एथिक्स की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी हम करते हैं. तो ये सारी चीजें मेन्यू आपके लिए लेके आ रहा है, सो मेक श्योर यू अवेल द बेस्ट ऑफ इट. अब आने वाले सैटरडे को ये कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है, लाइव हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर. तो इफ यू आर
interested, you can always go on and subscribe to this particular course. All the best. Thank you so much for watching this video. Make sure you subscribe. Make sure you like this video and share it with your friends. Thank you so much. This is me, Abhishek Sharma, signing off.